जी एक बार फिर तो स्वागत सारे दर्शकों का। मेरे नाल अज वैश्णो ओवरसीज़ तो प्रदीप बालियान जी ने स्टूडेंट वीज़ा की गल करांगे, वो बच्चों की गल करांगे जिहड़े विदेश पढ़न दे लई जाना चाहते हैं। सो कोई भी सवाल तुहाडे ज़हन दे विच तुसीं नोट करके रख सकते हो प्रोग्राम के दौरान जां प्रोग्राम तो बाद। वैश्णो ओवरसीज़ का जिहड़ा नंबर दिखाया जा रहा उस नंबर के उत्ते कॉल करके स्टूडेंट वीज़ा संबंधी जिहड़ा हर तरह का सवाल तुसीं सांझा कर सकते हो। सो प्रदीप जी बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम। थैंक यू, सत श्री अकाल जी। जी अज जिहड़ा गलबात करनी यूरोप की गल करांगे। काफ़ी वीज़ा तुसीं दिखाते हो, चाहे फेसबुक जरिए ने, टीवी शोज जरिए ने, वो वक्रे चैनल्स से दिखाते हो ना, या यूट्यूब पर दिखाते हो, पर हर कोई प्रमोट नहीं कर रहा ना यूरोप नूं। क्यों प्रमोट नहीं किया जाता, टाईअप्स नहीं है एक्सपीरियंस जिहड़ा कह दिंदे आपां कंसल्टेंट दा वो नहीं है जां की जिहड़े रीज़न ने? देखिए जो रीजन्स आपने बताए वो सारे वही हैं। कंसल्टेंट क्वालिफाइड नहीं है, टाइप्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, और कहीं ना कहीं यूरोप अगर वीज़ा लेना है तो यूरोप एक तरह से बहुत टफ कंट्रीज है जी, कि उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो खुद विजिट करके आए ना जी, काफी जी बार। मैं अभी तकरीबन 4 महीने पहले अपना यूनी एजेंट्स की मीटिंग में था हंगरी, मैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेज से वहाँ पे मिला हूँ। तो अगर आपने यूरोप में जाना है तो यूरोप में ऐसा है कि एक तो इंटरव्यू होता है एम्बेसी में जी। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट पहले सोचते हैं कि हम कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, न्यूजीलैंड जाएं, उसके बाद हम यूरोप सोचें। तो और दूसरा कहीं ना कहीं ये मिथ भी बना रखा है मार्केट में कि भाई विदाउट आइल्स है। तो ऐसे बच्चे आ जाते हैं जिसको इंग्लिश में रियली में ना तो बोलना आता ना पढ़ना आता, ABCD भी नहीं सही तरह से आती, बट वो सोच रहे हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया अपना यूरोप तो इतना ईजी है कि विदाउट आयल्स हो सकता है बट विदाउट इंग्लिश नहीं हो सकता। बिल्कुल यूरोप में अगर आपने जाना है दोस्तों, या स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी ये देख रहे हैं इस चैनल को, इस वीडियो को, तो मैं बताना चाहूँगा यूरोप में स्टूडेंट्स को खुद इंटरव्यू देना होता है। चाहे आप पोलैंड जाइए, स्विट्जरलैंड जाइए, जर्मनी जाइए, फ्रांस जाइए, इसके अलावा आप हंगरी जाइए, जो भी डेनमार्क है, लिथुनिया है, लातविया है, जो भी कंट्री है, इन कंट्री में अगर आपने जाना है तो स्टूडेंट को एम्बेसी में खुद अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। तो दो टाइप के इंटरव्यू होते हैं, एक ओरल, वाई लातविया, वाई जर्मनी, वाई फ्रांस, वो पूछेंगे। अगर बच्चे को इंग्लिश आती नहीं होगी तो वो अपने आप को बोल नहीं पाएगा और रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। दूसरा उसका इंटरव्यू होता है रिटन में उसे 8 से 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, होते बेसिक ही हैं, वो देखना चाहते हैं बच्चे की राइटिंग स्किल्स कैसी है। तो इन दो में अगर बच्चा पास हो जाता है ओरल प्लस रिटन तो बच्चे का वीजा आएगा। लेकिन मार्केट में बहुत से कंसल्टेंट अलग अलग चैनल पे या न्यू इसके अलावा न्यूज़पेपर में या फेसबुक के थ्रू ये बताते हैं कि शॉर्ट शॉट वीज़ा, 200% वीज़ा, और इसके अलावा विदाउट इंटरव्यू वीज़ा, विदाउट क्या नाम है, गैप एक्सेप्टेबल, या फिर नो आइल्स। मतलब बच्चे को इस तरह से फंसा देते हैं। बच्चा अगर रेडी होना भी चाहे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए या आयल्स करने के लिए भी, तो भी वो इतनी बड़ी बड़ी ऐड देख के सोचता है छोड़ना है, जब कंसल्टेंट बोल रहा है सारा ठेका ले रहा है तो क्यों ना इसका, मतलब क्यों मैं आयल्स करूँ, क्यों मैं स्पोकन इंग्लिश करूँ, क्यों मैं कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे रोज के वीजे निकलते हैं, हर हफ्ते हमारे 8-10 वीजे यूरोप के आते हैं, तो वो वीजे ऐसे नहीं निकलते, उन पे हम एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, विदाउट आइल्स हम भी भेज रहे हैं, लेकिन हम पहले बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करते हैं जी। बच्चे के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कॉन्फिडेंट है, वीजा निकलेगा। अगर बच्चा थोड़ा बहुत ठीक है तो हमारे पास आइल्स अकेडमी है, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, तो हम अपनी आइल्स सेंटर में बच्चे को डाल के वो जब तक बच्चा एम्बेसी जाएगा हम बच्चे की अच्छे तरीके से इंटरव्यू प्रिपरेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करा देते हैं कि बच्चा जब एम्बेसी जाता है तो उसका वीजा निकलता है। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना चाहिए। वेस्टर्न ओवरसीज की जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपके है, चाहे जलंधर है, अमृतसर है, चंडीगढ़ है, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जो भी नियरेस्ट ब्रांच पड़ती है आप आइए, मिलिए। यूरोप जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज आपकी इस जो आपका ड्रीम है इसमें हेल्प करेगा। आपको जो आपका ड्रीम है कि वहाँ बाहर पढ़ने का यूरोप में, तो वो कहीं ना कहीं हम आपके हेल्प करेंगे। यूरोप के भी काफ़ी ऑप्शन बच्चों के को रही ना, जर्मनी के काफ़ी वीजा दिखाते, इटली भी बच्चा जा सकता, पोलैंड भी जा सकता। किस आधार के उत्ते कंट्री की चोण करता बच्चा, जे बच्चे की प्रोफाइल देखी जाएगी की प्रोफाइल है, तो नाल चैकलिस्ट देखिया जाएगी उस आधार उत्ते, जे बच्चे मूव करना चाहते हैं किड़ी कंट्री तो किड़ी कंट्री अगे मूव कर सकते हैं, ये चीज़ सोच के जा। देखिए पहली बात, आज की डेट में सबसे पहले और बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी। जर्मनी में स्टे बैक ऑप्शन है। स्टे बैक का मतलब यह है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास 18 मंथ का, 1.5 साल का वर्क वीजा है जो लीडिंग टू PR है, कि उसमें आप जॉब करोगे आपकी PR हो जाएगी। लेकिन अगेन यह है कि यहां पे जैसे कनाडा में GIC, यहां पे
एक तरह से ब्लॉक अकाउंट ओपन होता है कि बच्चे को अपना क्या नाम है तकरीबन 7 लाख रुपए उसमें ट्रांसफर करना होता है, वहां जाके उसको पर मंथ मिलता है, प्लस में उसको फीस पे करनी होती है। ऑप्शन दो है, पेड एजुकेशन के लिए भी जा सकते हो, पेड एजुकेशन मतलब बैचलर और मास्टर जो करनी है वो इंग्लिश में होगी, आपको फीस पे करनी पड़ेगी, तकरीबन 12,000 यूरो फीस होती है पर ईयर। या फ्री एजुकेशन भी है, फ्री एजुकेशन में क्या है कि हम लैंग्वेज कोर्स में बच्चे को भेजते हैं, जर्मन लैंग्वेज कोर्स में, जर्मन लैंग्वेज कोर्स करने के बाद यूनिवर्सिटी में बच्चा फ्री एजुकेशन ले सकता है। तो दोनों ऑप्शन है, फर्स्ट प्रायोरिटी कितने टाइम का होता है जेड़ा लैंग्वेज कोर्स, ये तकरीबन 9 महीने का, 1 साल का आप लगाइए। तो फर्स्ट प्रायोरिटीज हम बच्चे को, अगर बच्चा ठीक ठाक है तो हम जर्मनी ऑप्शन देते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास फ्रांस है, फ्रांस में बैचलर भी है मास्टर्स भी है, मास्टर कंप्लीट करने के बाद बच्चे के 2 साल का स्टे बैक है, मतलब 2 साल का वर्क वीजा मिलता है। इसके अलावा हम पोलैंड भी बच्चे को भेजते हैं बैचलर और मास्टर्स में। इसके अलावा मैं जैसे अभी यूनी एजेंट्स की मीटिंग में था, हंगरी में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन है, बुदापेस्ट मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेच है, और 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया प्रोग्राम्स हैं। प्रोग्राम मीन्स बैचलर्स में भी है, मास्टर्स में भी है, हर एक स्ट्रीम में प्रोग्राम्स हैं। और कहीं ना कहीं जो ये क्या नाम है अपना हंगरी है, ये कहीं ना कहीं सस्ता भी है। तो यहाँ भी इंटरव्यू होगा एम्बेसी में, और इंटरव्यू क्लियर करोगे तो आपका वीजा आएगा। यूनिवर्सिटी में जाओगे, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मोस्टली है, वीजा सक्सेस रेट हाई रहेगा। बट प्लीज कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करके आइए, वेस्टर्न ओवरसीज आपके साथ खड़ा है आपका वीजा दिलवाने में। जो भी कंट्री जाना चाहते हैं यूरोप में, वेस्टर्न ओवरसीज आपकी हेल्प करें जी। सो वेस्टर्न ओवरसीज तो प्रदीप जी मेरे नाल ने गलबात कर रहे यूरोप की। पहला कुछ बच्चों के व्यूज देख लें, व्यूज सुन लेंगे, जिन्हें बच्चों का यूरोप का वीजा आया वेस्टर्न ओवरसीज तो किस तरह की सर्विसिज मिली, किस तरह की प्रोफाइल से उन्होंने बच्चों की उन्होंने को सुनते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी ठाकुर है, मैं बीएससी नर्सिंग की है, 2016 पास आउट हूँ, मेरे 7.5 बैन है। मेरा मन था कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ, मेरी मैरिज के बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइल लगानी थी, हमने काफ़ी सारे कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, पर लेकिन जब हम वेस्टर्न ओवरसीज आए तो हमें लगा कि ये सबसे बेस्ट कंसल्टेंट्स हैं, और हमने यहाँ से अपनी फाइल लॉन्च करवाई और हमें अपना स्पाउस वीज़ा मिल गया है। ये हम दोनों का स्पाउस वीज़ा है, और मैं अपने सभी फ्रेंड्स को रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार वेस्टर्न ओवरसीज ज़रूर विजिट करें अगर आप स्टडी वीज़ा चाहते हैं। आई एम चेतना एंड आई एम काउंसलर फॉर न्यूजीलैंड इन वेस्टर्न ओवरसीज। आज हमारे स्टूडेंट सिमरन जी, इनका न्यूजीलैंड का वीज़ा आया है और 2016 पास आउट है ये, प्लस टू 5.5 ईच बैंड्स हैं, और आज मैं इन्हें कंग्रेचुलेट करती हूँ इनके न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए। थैंक यू मैम। Hi guys, I'm Simranjit Singh and I'm from belong to Agently. तो मैं 2016 प्लस टू पास आउट हूँ और मेरे IELTS में स्कोर है 5.5, नॉट लेस देन 5.5। तो न्यूजीलैंड जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है इन बैंड्स में, तो मैंने काफ़ी कंसल्टेंट पे काउंसलिंग के लिए गया लेकिन मुझे कहीं प्रॉपर गाइडनेस नहीं मिली। तो किसी ने मुझे कंसल्ट किया कि वेस्टर्न ओवरसीज एक बार विजिट करो, तो मैंने वेस्टर्न ओवरसीज विजिट किया और मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की इन्होंने, मेरे डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प किया और काफ़ी मेरे को प्रिपेयर किया कि डॉक्यूमेंट्स के लिए कि क्या क्या अच्छे प्रॉपर होंगे इसके लिए, और मुझे फाइनली मेरा वीज़ा 20 डेज में मिल गया। मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ वेस्टर्न ओवरसीज का। और जो भी स्टूडेंट अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है, बाहर जाके पढ़ना चाहता है, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि वो भी एक बार वेस्टर्न ओवरसीज आए और एक बार काउंसलिंग ले और यहीं से अपना वीजा अप्लाई करें। थैंक यू। आज साडे नाल एक स्टूडेंट जुड़े ने जिन्हों का नाम बेअंत सिंह सिद्धू है, उन्होंने असि उन्हों का जर्मनी का वीजा प्रेजेंट करन जा रहे हैं। कंग्रेचुलेशंस बेअंत। स्टूडेंट ने साडे कोलो जर्मनी का वीजा अप्लाई किया है ते विद इन हार्डली 5 डेज उन्हों का उन्होंने वीजा मिल गया है। प्रोग्राम बच्चों के व्यूज सुने, काफ़ी बच्चों के वीजा आए, बच्चे खुश भी ने, है ना, कि जिन्हों का लगता कि हाँ वीजा नहीं लग सकेगा या कैनेडा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते, पर जाते जाते जो 2 मिनट का समा बचे है, कोई खास मैसेज देना चाहो यूरोप वाले बच्चों,
ਨੂੰ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸਭਸੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਯੂਰੋਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਸਕੇ ਪਾਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੋ ਉਸਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭਸੇ ਬੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। देखिए आप बाहर पढ़ना चाहते हैं, बाहर तभी पढ़ पाएंगे जब आपका जो कंसल्टेंट है वो आपकी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। बहुत फेक एडवर्टीजमेंट होती हैं कि भाई फी आफ्टर वीज़ा है या फिर विदाउट इंटरव्यू है, नो आयल्स है, तो कहीं ना कहीं वो आपको एक तरह से अटका रहे हैं और वो पैसे आपके झाड़ लेंगे और उसके बाद आपका करियर बनना नहीं है। तो प्लीज़ जो बेसिक बातें हैं, जो ज़रूरी बातें हैं, वो आप ज़रूर समझिए, क्योंकि उस कंसल्टेंट ने वीज़ा लगवाना है तो वो कंसल्टेंट का वीज़ा ऑफिसर नहीं है, एम्बेसी उसके घर की नहीं है। जो एक रास्ता है उस रास्ते पे चल के ही वीज़ा लगेगा। तो प्लीज़ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, परसेंटेज ठीक हो, फंड करंट के चल जाएंगे बट थोड़े दिखाने हैं, ज़्यादा नहीं दिखाने हैं, और आपका थोड़ा सा रिसर्च होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, ये सब कुछ आपकी हैं तो आपके वीज़ा चांसेस हाई रहेंगे। और आप कॉन्फिडेंट भी होने चाहिए, फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। वेस्टर्न ओवरसीज के पास एक क्वालिफाइड टीम है, आप आइए, जलंधर आ सकते हैं, अमृतसर आ सकते हैं, चंडीगढ़, अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, जो भी ब्रांच आपको नियर्स पड़ती है आप आइए। यूरोप जाना चाहते हैं, सक्सेस रेट वेस्टर्न ओवरसीज का बहुत अच्छा है। आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए, वेस्टर्न ओवरसीज 172, ट्राई टू फाइंड आउट कि जिन बच्चों के वीज़ा आए हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए। जी शुक्रिया सर सारी जानकारी देने के लिए प्रोग्राम में चाहूँगी। धन्यवाद सारे दर्शकों का जो शो के नाल लगातार जुड़े रहते हैं। कोई भी गलबात करना चाहते हो दिखाए जा रहे नंबर के उत्ते कॉल करके वेस्टर्न ओवरसीज दी सर्विसिज ली जा सकती हैं, किसी भी वे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैनू दो आग्ञा, सत श्री अकाल।